हाय गाइस, वेलकम टू प्रभात होर्डिंग सर्विस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो स्टॉक लेके आया हूं जो कि कल आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। दोस्तों, उस स्टॉक को चूज करने का पीछे का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, ठीक है, विद लॉजिक कि क्यों मैं उस स्टॉक को चूज कर रहा हूं। हमने आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की अलग से एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर दी है, ठीक है, जाके देखिए। उसमें आपको अलग से स्पेशली डिटेल में मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस मैंने की है। दोस्तों, काफी लोगों की रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि सर निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो बनाई है, तो इसलिए हमने पोस्ट कर दी है। तो और दोस्तों, हम डॉक्टर रेड्डी में कैसे हमने एक मोमेंट प्राप्त किया लास्ट फ्राइडे के सेशन में, वो भी समझेंगे क्या उसके पीछे का रीजन था। दोस्तों, अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, लास्ट फ्राइडे के सेशन में सारे फार्मा स्टॉक ऊपर थे, लेकिन डॉक्टर रेड्डी केवल एक लौता ऐसा स्टॉक था जो कि नीचे था। तो ये समझेंगे कि ये हमने किस प्रकार से एनालिसिस की थी, ठीक है, आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे। आइए पहले समझते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में कितना बढ़िया एक मूव मिला हमको लास्ट फ्राइडे को सेशन में। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी एक लौता ऐसा फार्मा स्टॉक था जो कि डाउन था, ठीक है, लास्ट फ्राइडे के सेशन में। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें सेल की एनालिसिस बनाई थी, सिंपल इज दैट, ठीक है। आई होप आपने भी एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया होगा लास्ट फ्राइडे के सेशन में। मैंने क्या बताया था कि देखो, एक ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल था, राइट, सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है, और उसमें एक फ्रेश डाउन साइड रैली देखने को मिलेगी, जो कि 50 रुपया माइनस की रैली हमें देखने को मिली थी लास्ट फ्राइडे के सेशन में। तो आई होप आपने सीख के समझ के कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा। बात करें डाबर की, तो देखो, डाबर ना रेंज में ही रह गया, ठीक है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बिल्कुल एक रेंज में रह गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कल के लिए स्टॉक्स। जो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में, उसका नाम है HDFC लिमिटेड। दोस्तों, HDFC लिमिटेड को मैंने क्यों चूज किया, समझते हैं। देखो, पहला रीजन ये है HDFC लिमिटेड का, मैं आपको जल्दी चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दोस्तों देखो, डेली टाइम फ्रेम पे HDFC लिमिटेड ने एक रेंज का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, 1, 2, 3 कैंडल से लगातार HDFC लिमिटेड एक रेंज में बना रहा था, ठीक है, और एक लेवल के ऊपर टिका था जो कि लेवल था इसका 1600 क्या है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, आप सबको पता है पावर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और जो भी नए हमारा सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों, आप लाइक करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि हाँ, आप सबको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, ठीक है। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है, 1600 का लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान सुनना, 1600 का आपको ऐसे लगा लेना, यानी 1600 के जब तक नीचे रहे आपको शॉर्ट सेल में रहना है, और उछाल में बेचना है उसको। अब खुलते ही मार्केट में नहीं बेचना है, उछाल में, उछाल मिले जब 1600 के आसपास कमजोरी दिखे, वीकनेस दिखे, यू कैन शॉर्ट। टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप, जाके सर्च करिए प्रभात ट्रेडिंग सर्विस, ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे मैं लेवल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो वीडियोज है हमारे, इस वीडियोज को मैं आपके लिए अपलोड इसलिए करता हूं ताकि आप लोग इससे सीखें और इससे इंस्पिरेशन लें, ठीक है, ना कि केवल हमारी वीडियो से बस आप अपना काम चलाएं एज अ टिप्स की तरह, ठीक है। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे। दोस्तों, दूसरा स्टॉक मैं आपके लिए एक स्पेशल सस्ता स्टॉक लेके आया हूं ताकि जो भी हमारे भाई बंधु हैं जिनके पास कम कैपिटल है वो ट्रेड कर सकें, ठीक है। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है REC लिमिटेड। अब देखो, REC लिमिटेड को हमने क्यों चूज किया, समझते हैं। बेसिकली देखो, REC लिमिटेड 90 के लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है। 90 का क्या लेवल है, 90 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और आप देख रहे हैं कि ये क्लोज होके गया है 70 पैसा माइनस में क्लोज होके गया है REC लिमिटेड। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है जब तक REC लिमिटेड, आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देखे गया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब तक REC लिमिटेड 90 के लेवल के नीचे रहता है आपको शॉर्ट सेल करके चलना है, 90 का आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। सो यही दो स्टॉक हैं जिसमें आपको कल एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस और नॉलेज का पावर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अभी लॉकडाउन में जिन घरों में थोड़ा सा पैसे की तंगी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन घरों में पैसे की तंगी है वो
क्या कर सकते हैं, वो शेयर मार्केट से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम आपको मौका दे रहे हैं, जो हमारा फीस है 6500 का, उसको हमने 4500 कर दिया है, 30% का डिस्काउंट किया है आज के लिए, केवल 5 लोगों के लिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने पोस्ट कर दिया है, राइट। तो अगर आपको लेना है लिटरली, अगर आपको कुछ पैसे अर्न करने हैं इस लॉकडाउन में, तो आप हमारे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ये केवल आज के लिए है। तो दोस्तों, जिसको लिटरली मार्केट सीखना है और कुछ साइड इनकम अर्न करनी है, तो आप सीख सकते हैं। देखो, मार्केट इस टाइम आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, ठीक है, लेकिन सीख के काम करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और इस प्रकार के और कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करते हुए प्रभात होल्डिंग सर्विस को। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद आप सबको।